तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी इसाईस का ग्रंथ अध्याय 61 पद संख्या 9 से 11 तक। उनका वंश राष्ट्रों में प्रसिद्ध होगा और उनकी संतति का नाम देश विदेश में फैल जाएगा। उन्हें देखने वाले सब के सब जान जाएंगे कि वे प्रभु की चुनी हुई प्रजा है। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ, मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस तरह वर पगड़ी बांधकर और वधु गहने पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी तरह प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझ पर धार्मिकता की चादर डाल दी है। जिस तरह पृथ्वी अपना उपज उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी तरह प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता तथा भक्ति उत्पन्न करता है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। उसने अपनी दासी की दीनता पर दया दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थाई दया को स्मरण कर, उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इसराइल की सुध ली है। अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। जय घोष अलेलुया। अनुवाक्य। अलेलुया। धन्य है कुंवारी मरियम, आपने ईश्वर का वचन अपने हृदय में संचित रखा और आप उस पर विचार किया करती थी। अनुवाक्य। अलेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 41 से 51। यीशु के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक यीशु अपने माता पिता के अनजान में यरूशलेम में रह गया। वे ये समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच
ढूंढने लगे। उन्होंने उसे नहीं पाया और उसे ढूंढते ढूंढते वे यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उसे कहा, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढ रहे थे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की क्या ज़रूरत थी? क्या आप ये नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर में होऊंगा? परंतु यीशु का ये कथन उनकी समझ में नहीं आया। यीशु उनके साथ नाजरत गए और उनके अधीन रहे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।